हेलो जी मम्मी, कैसी हैं आप? शहरयार, ये एनी और महरोज कहाँ हैं? कब से इन्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? वो बिजी होंगे, मैं आपका मैसेज दे दूंगा, कॉल बैक कर लेंगे। हाँ, याद से बताना उन्हें, मैं इंतजार करूंगी। वैसे वहाँ सब ठीक है ना? मेरा मतलब है, महरोज कैसा है? जी इज फाइन। और एमल? उसने बहुत तंग किया हुआ है, बट मैं हैंडल कर लूंगा उसे। उसका मुंह बंद करवाओ शहरयार, और अगर वो ना माने तो उसे वापस ले आओ, मैं खुद देख लूंगी। नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मैं रखता हूँ फोन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे यार, मैं चाहता हूं कि बस कुछ देर के लिए हम मेरी बीमारी के बारे में भूल जाएं और सिर्फ एंजॉय करें। मुझे नहीं पता कि फिर कभी हमें ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं। आपको मुस्कुराते देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वो आप एनी भाभी हकीकत जान के ज्यादा परेशान तो नहीं हूं? अच्छा नहीं किया उससे, और परेशान के दुखी और हम सब जिम्मेदार रहे हैं उसे। लेकिन पता है, उसका बड़ापन ये है कि वो इस मरते हुए शख्स के साथ अब भी जिंदगी गुजारना चाहती है, साथ निभाना चाहती है, इस रिश्ते को निभाना चाहती है, दामन नहीं छोड़। कल रात से सोई नहीं, सारी रात मेरी केयर करती रही। सुबह आंख खुली तो नमाज पर। आप बहुत लकी हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत बदकिस्मत है। उसे एक ऐसा शख्स मिला जो उसका ख्याल नहीं रख सकता, उसे तहफ़ुज़ नहीं दे सकता। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए परेशानी का बायस हूँ, और कुछ नहीं। प्लीज भाई, ऐसा मत बोलो, मायूसी की बातें ना करें प्लीज। झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता तो बना ले, और अब उसे छोड़ के चला जाऊंगा बेवा बना। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा? भाई, इंसान का इस दुनिया में रहना या ना रहना अल्लाह ताला के अख्तियार में। कभी कभार सेहतमंद लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और बीमार लोगों को कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी बीमारी उसके लिए परेशानी का बायस है। देखा, वो मुस्कुरा तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी बीमारी उसे खा रही है। वो नहीं खुश शहरयार, वो खुश नहीं है। और अफसोस की बात तो ये है कि मेरे मरने से पहले मुझे उसका गुनहगार बना दिया। बस आप भी छोड़े ना ये सब बात। आपको नहीं सोचनी इस तरह की बात। आप खुश रहें, एनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। बाय द वे, मम्मी की कॉल आई थी, वो बात करना चाह रही थी आपसे। आप कॉल कर लीजिएगा, उन्हें तसल्ली हो जाएगी।